Ama Cihye'yi işte bloklayan kendini sizin mi bloklamak çağırıyor? भाई कुछ नहीं ऐसा होगा, टेंशन ना लो। न्यू सीज़न में जो है बस सिर्फ जो है रिवार्ड्स वगैरह, न्यू सीज़न में लाइट पास शुरू होगा तो आप लोगों को कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? तो आप टेंशन ना लो। अबे ये क्या लिए न्यू सीज़न में आप लोग मैं चाहोगे आप किसी का नए बंदे आएंगे? भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मरोगे नहीं यार, वो आप लोगों के रिकॉर्ड वगैरह वो सारे न्यू हो जाएंगे, तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो सारे डिलीट करके उसकी कहा जिस तरह कंप्यूटर को मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है, जब वो उसकी मेमोरी वगैरह जो फुल हो जाती है इस तरह कुछ हो जाता है, तो वही हिसाब है बस। तो आप लोग टेंशन ना लो। तो जो उनका एक एक रैंक जो है, एक एक टायर जो नीचे होगा, क्राउन वाले जो हैं वो डायमंड में चले जाएंगे, डायमंड वाले जो हैं वो प्लेटिनम में चले जाएंगे, इस तरह होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? आप लोग टेंशन ना लो, जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। तो आप मुझे बताने दो ना, बहुत कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो ना पंखे वगैरह भी कौन चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, छद्दी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तुम तो कह रहे थे कोट शोट वाली सर्दी आएगी। भाई सब्र तो करो, मैं बताता तो हूँ ना, मुझे बोलने तो फ्री में बताऊँगा कि सर्दी आएगी या नहीं आएगी। अच्छा बोलो बोलो। चलो हे वेलकम टू गाइज, मैं बोल रहा हूँ अपना जेरी भाई। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीज़न 3 जो है 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, सीज़न 4 जो है स्टार्ट होगा। तो एक जो है बैड न्यूज़ भी है, जिन्होंने एलाइट पास खरीदा हुआ है तो उनको दोबारा, जो उनका जो एलाइट पास है वो एक्सपायर हो जाएगा, उनको दोबारा है एलाइट पास खरीदना पड़ेगा हर जो है सीज़न में, हर बार जो है पास खरीदना पड़ेगा, हर सीज़न में न्यू सीज़न में न्यू रॉयल पास खरीदना पड़ेगा, एलाइट पास खरीदना पड़ेगा। तो वैसे बहुत यार सैड न्यूज़ है जिन्होंने खरीदा हुआ है, तो और जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए तो बहुत ही कमाल होगा, क्योंकि उनको जो है न्यू चीज़ें मिलेंगी तो फ्री में। तो ठीक है भाई, तो जिन्होंने जो ट्रू गेमर्स हैं, गेमिंग गेम लवर्स हैं, तो वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे भाई। तो वैसे यार पबजी वालों को, टेंशन वालों को चाहिए थोड़ी ना प्राइस कम करें। तो बताता चलूँ कि कितने का आने वाला है, क्या क्या डिटेल है सब मैं बताता चलूँ। चलो छोड़ो बाकी चीज़ों को, तो आप ये साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो 600 यूसी का हम जो है लाइट पास खरीद सकते हैं। तो और जो है लाइट पास प्लस है वो हमारा जो है 1800 यूसी का है, वैसे बहुत ज़्यादा प्राइस है यार हमारा। तो पिछली बार मैंने जो खरीदा था वो तकरीबन 1500 के करीब था, मैंने लाइट पास सिंपली लाइट पास खरीदा था, मैंने प्लस नहीं खरीदा था भाई, हम गरीब बंदे हैं तो हमने जो है अपनी औकात के बराबर ही खरीदना है। तो इस दो मैं लाइट पास अगर खरीदूंगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर आप भी फ्री में लाइट पास लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं गिव अवे करूंगा। तो अगर आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो मैं एक जो रैंडमली वेबसाइट है उसके थ्रू मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा। तो लाइट पास जब शुरू होगा तो मैं गिव अवे रखूंगा, तो उस गिव अवे में आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप न्यू हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइट पास का मैं गिव अवे करूँगा, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा क्योंकि आप भी जीत सकते हैं बीच में से। तो इसी के साथ शुरू करते हैं भाई। तो अच्छा एलाइट पास जो हमारा जो वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि 600 यूसी का होगा एलाइट पास, जो एलाइट पास प्लस है वो 1800 यूसी का होगा। तो जो है हमारा तकरीबन 1500 के करीब बनता है जो एलाइट पास जो है सिंपली 600 यूसी वाला, और दूसरा जो है 24.99 डॉलर का है, तो वो तकरीबन 3500-3000 के करीब बनता है। बहुत ज़्यादा प्राइस है यार उसकी। तो आज मुझे थोड़ा ज़ुकाम आया हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ ज़रा ना ख़राब है। तो और हमें मिलने वाला है रेनी स्नोई वेदर, जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है स्नो मैप आने वाला है। तो यार फिलहाल सॉरी, स्नो मैप अभी जो है फिलहाल पोस्टपोन हो गया है, वो आपको मैंने बताया था 0.11.0 में आएगा। तो फिलहाल मेरी बात भी ठीक है, अभी 0.11.0 जो है अभी बहुत दूर है, तो इसी के लिए उन्होंने जो है सर्दियों का जो अपडेट उन्होंने दे दिया। उन्होंने जो है इस दफ़ा कहा है कि 0.9.5 में ही हमें जो है स्नोई मैप दे दें, सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो इसी के साथ हमें जो है स्नोई मैप दे दें। तो स्नोई मैप उन्होंने सोचा कि स्नोई मैप बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा, तो काफ़ी देर लग जाएगी, सर्दियाँ इतने में गुजर जाएंगी तो उसमें स्नोई मैप का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसी के साथ फिर हमें जो जर्खी की जगह पर जो जहाँ पर जर्खी है ना वहाँ पर, ये देख सकते हैं मैं पिक्चर आपको शो करवा रहा हूँ साइड पर आप देख सकते हैं, तो सर्दियाँ जो है वहाँ पे वो स्टार्ट हो गई जर्की पे, जहाँ पर बॉटम वो वेदर था जहाँ पे पिकनिक स्पॉट की मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर हमें मिलने वाला है स्नो वेदर। यार बहुत कमाल स्नो वेदर आ रहा है, तो काफ़ी कमाल की चीज़ें न्यू आएंगी, बहुत कुछ न्यू आएगा यार। आप लोग जो है मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ इस अपडेट का। तो इसका बेटा वर्जन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि यार ये सीज़न 4 आ रहा है तो इसका कोई बेटा वर्जन नहीं आएगा, मुश्किल है इसका वो बेटा वर्जन है। अगर आया तो मैं उस वो ज़रूर मैं बेटा वर्जन में जो है पार्टिसिपेट करूंगा, तो आप लोगों को मैं पहले ही दिखा दूंगा क्या क्या आने वाला है। कुछ रिवार्ड्स आने वाले हैं जो मेरे पास जो है पिक्चर लीक हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता चलूं। तो
तो जो फ्री वाले हैं जिन्होंने लाइट पास नहीं खरीदा वो फ्री जो खेलेंगे उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि उनको फ्री में जो है 1000 BP मिलने वाला है। तो BP का तो आपको पता ही कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लोगों के पास, जिन्होंने जिनके सारे आउटफिट्स खोल गए हैं, क्लॉथ्स खोल गए हैं, भाई उनके पास तो बेकार ही है। जितने मर्जी जो है सोल्जर क्रेट खोल लो, उनके पास एक ही फ़ायदा है, सोल्जर क्रेट खोल सकते हैं। सोल्जर क्रेट खोलते हैं तो वही हमारे जो पुराने जो है कपड़े निकल आते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अब पबजी टेंशन वालों, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ, क्योंकि हमारे दोबारा बार बार वही कपड़े निकली जा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो पबजी वालों, टेंशन वालों, हया करो हया, कुछ न्यू यार आउटफिट्स ऐड करो, क्योंकि यार हमें दोबारा दोबारा वही क्लॉथ्स, वही जो चीज़ें खुल जाती हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो ठीक है भैया, आगे हम चलते हैं। तो इसके साथ साथ हमें मिलने वाला स्नोई वेदर, रेनी स्नोई वेदर, मैं रेनी रेनी की भी बात की थी। तो हाँ, तो जिस तरह का आपको पता है रेंजल में डे एंड नाइट कभी कभार लगता है, इसी तरह हम स्नोक में जो है रेनी वेदर मिलने वाला। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, चाइनीज़ वर्जन जो है, बेटा वर्जन चल रहा है, बेटा वर्जन जो है चाइनीज़ का, तो उसमें ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि है ये बारिश हो रही है, रेनी सीजन है। ये मैंने फुल वीडियो मेरे पास पड़ी है, पर मैं यार फुल वीडियो लगा नहीं सकता, तो आपको मैं सिर्फ सीन दिखा देता हूँ। ये देखें बारिश हो रही है, आप तो इसमें बारिश भी हुआ करके काफ़ी कमाल जो है चीज़ें आने वाली हैं। और स्कूटर वगैरह की यार बात थी पिछली 0.9.0 में, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि स्कूटर तो ऐड हुआ ही नहीं, आपने कहाँ से यार ये कहा था कि स्कूटर ऐड होने वाला है। भाई बहुत बहुत सॉरी, स्कूटर जो है किसी वजह से जो है वो ऐड नहीं कर सके, स्कूटर को वो जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, तो कोई ग्लिच वगैरह बन गया था उसका, जिस वजह से उन्होंने जो है वो स्कूटर ऐड नहीं किया था। तो हाँ, 0.9.5 में जो है सीजन पास 4 के साथ साथ हमें जो है रेनी स्नोई वेदर मिलने वाला है, और स्कूटर को दोबारा वो ऐड कर रहे हैं। तो स्कूटर को आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्कूटर को जो है दोबारा ऐड कर दिया गया है। तो और भी बहुत जो है चीज़ें आ रही हैं, तो न्यू लाइट पास मैंने बताया आ रहा है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्री में यार लाइट पास मेरा मौज करो। और जो है M762 का आपको बताया था कि M762 सिर्फ बॉट्स के पास हमें मिलती थी, वैसे हमें पड़ी हुई इस कार वगैरह जिस तरह M416 पड़ी होती है, वो उस तरह हमें कभी नहीं मिली थी पड़ी हुई, तो किस्मत से बोट वगैरह हमारे पास आते तो वो उनसे ही मिलती थी। अबे जारी, ये बोट जो आजकल बहुत खतरनाक हुए हुए हैं, इनके पास भाई M762 है भाई, ये दो दो गोलियां मारते मार के लग देती है मुझे भाई, टेंशन ना लो। तो अब वो M762 हमारे पास भी होगी तो हमें घरों के अंदर से मिलेगी, जिस तरह उनको जिस तरह बाकी गन्स वगैरह मिलती हैं। आप टेंशन ना करो, थोड़ा वेट करो, बहुत कुछ आने वाला है। अबे तू चौकी से दिख क्या हाल था, चौकी से दिखो नहीं आ रही है, गर्मी पड़ रही है इधर। तो भाई वेट तो करो, मैं बता तो रहा हूँ ना, न्यू अपडेट के साथ आपको जो है वो मिलने वाला है स्नोई रेनी स्नोई वेदर। अबे बारिश भी होगी, छतरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी कौन ही पड़ेगी भाई, छतरियाँ वगैरह क्या करनी है, पहले आपको गर्मी लगती थी, अब आपको सर्दी लग रही है भाई, फिर खुद ही तो कह रहा था कोटों वाली छड़ी पड़ेगी भाई, कोटों वाली पड़ेगी तो सही, आप घर में कोट छोट डाल के बैठ जाना ठीक है भाई, इधर हमने जंग भी करनी होती है भाई। चलो यार, अब वो आपका सिर दर्दी है भाई, पहले आपको गर्मी लगती है फिर आपको सर्दी लगती है, अब खुद देख लो क्या करना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, और बता क्या कहने वाला है। अब भाई इतना कुछ तो बता दिया, और आपको क्या चाहिए भाई। ठीक है बस मैं चलता हूँ, फिर और कुछ आया तो और कुछ मुझे पता लगा मैं फिर आपको बताता हूँ। क्या ठीक है बताएं, ये लोग ठीक है ना, तो अटेली बात भी दे लेते कितनी सही है भाई, तू कह रहा बल पहले वाली पहले पैर तो लेंगे। और भाई अपडेट का इंतज़ार तो करो, अपडेट में ही मिलेगी कि पहले मैं अब खुद जो है बर्फबारी कर दूँ, ज़रा वेट तो करो ना। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, अगली वीडियो कब ला ला फिर भाई, मुझे कुछ न्यू पता लगेगा, कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगा, ज़रा वेट करो ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हे गाइस, तो ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, अगर आपको जो है गिव अवे में अगर पार्ट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं गिव अवे की वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल को जरूर क्लिक कर देना, बेल आइकन को, तो आप जब मैं गिव अवे या दूसरी तीसरी वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।